चार्ज इन द 2 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में एक कैपेसिटर के थ्रू में करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा ये दोनों में जाएगा। तो पहले इसको हटा के सर्किट बना लीजिए। तो ऐसे बनेगा, ओवरलोड ब्रांच को हटा दीजिए जिसमें कैपेसिटर लगा है। ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम। तो देखो ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट दोनों का सेम पोलारिटी कनेक्टेड है, तो अपोज कर रहे हैं दोनों दोनों को। तो इसका इक्विवेलेंट 2 माइनस 1 1 वोल्ट रहेगा। तो नीचे में मैं सीधा ऐसे 1 वोल्ट कर दे रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट। और आप E1R1 E2R2 के हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, 2 2 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 वोल्ट करंट ऐसे जाएगा, सॉरी 1 वोल्ट। समझ में आया? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों बैटरी दोनों को अपोज कर रहे हैं, इसीलिए नेट तो बनेगा E1 माइनस E2। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? बड़ा के हिसाब से। ये बड़ा वाला बैटरी है 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट का है, तो उसके हिसाब से नेट पोलारिटी रख दिया मैंने, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बट नेट में कितना है 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस का तो कोई पोलारिटी नहीं होता है, तो 2 ओम 2 ओम कितना होगा 4 ओम। तो अब इसमें करंट हो जाएगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो 1 दिस मच एम्पियर। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं जिसमें कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जानने के लिए आपको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल जानना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं पोटेंशियल के लिए काम कर रहा हूँ। कोई भी एक ब्रांच को ले जाइए, ऊपर में 2 ओम है, ये है आपका 1 वोल्ट, करंट तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई, ये दो पॉइंट के अबाउट में पहले निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना होगा? तो पोटेंशियल एट एक्स किरचॉफ्स लॉ, ऐसे जाइए यहाँ से एक्स से वाई तक जाइए, पोटेंशियल एट एक्स आईआर प्लस होगा, सॉरी 1 वोल्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, फिर करंट का अपोजिट हाई पोटेंशियल को जा रहा है, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। तो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू -1 -IR, आई हो गया 1/4, आर था 2, तो -3/2 वोल्ट। मेरे को चाहिए क्या? सवाल मेरा है कैपेसिटर का। तो x से y जब जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, बट हमको थोड़ी वो चाहिए, हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जगह का पोटेंशियल अगर आपका Vx होता है, ये जगह का पोटेंशियल हो जाएगा Vx, ये कितना है, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, Vx प्लस 1.5 होगा। समझ में आया? ठीक है, तो मैं मुझे चाहिए ये दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, Vx प्लस 1.5 माइनस Vy, Vx माइनस Vy ऑलरेडी लिख चुके हैं तुम, कितना सर? -3/2 वोल्ट एंड ये 1.5 वोल्ट, तो 0। दैट मीन इसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ये बैटरी नहीं होता तो होता, अगर ये वाला बैटरी नहीं होता तो कुछ ना कुछ होता। ये जितना यहाँ पर डेवलप हो रहा है प्लस 1.5 वोल्ट एंड पूरा वी एक्स एंड वाई के अक्रॉस में -3/2 वोल्ट, तो नेट आपका मिल गया 0 अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर का समय अगर पोटेंशियल 0 है तो चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी के हिसाब से भी 0 हो गया, तो 0 हो जाए।
So answer will be 1.